न्यूज वन के साथ मैं हूं वरीशा जुल्फिकार। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में पावर शो करेगी, जलसे की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अनीस कायम खानी का कहना है कराची को असलहे से पाक होना चाहिए, शहरी अपने हुकूक के लिए घरों से निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज साहिवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी, बदनज़मी से बचने के लिए इंतजामिया का अनोखा इकदाम, जफर अली शाह स्टेडियम के दरवाजे बंद करके दीवारें तोड़कर रास्ते बनाने का काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तारिक रोड, शाहराए फैसल, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड और सफूरा चौरंगी पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। अदब का कल्चर नई सोच और बर्दाश्त को जन्म देता है, अफसोस है कि रियासत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का लिटरेसी फेस्टिवल से खिताब। नौशहरा में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े, फायरिंग से खातून और दो बच्चे जहां बाहर, दो अफराद जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जालिमाना फैसलों से खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली, तारिकी ने वतन पर पाबंदी के मामले में अमरीकी अदालत आड़े आ गई, वफाकी जज ने हंगामी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, कहा वीजा रखने वालों को अमरीका आने का हासिल है, तारिकी ने वतन आर्जी कयाम भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो के एयरपोर्ट्स पर एहतजाज, गूगल और फेसबुक ने भी ट्रंप की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद कर दी, तारिकीन वतन पर पाबंदी मुस्लिम ममालिक की तौहीन है, ईरान ने जवाबन अमरीकियों के दाखिले पर पाबंदी की धमकी दे दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, नारान में 8 फीट, शोघरान में 5 और कागान में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी बरकरार। चीन में रिवायती नए साल के आगाज पर तकरीबात, मंचलों ने शेर के रक्स का मुजाहरा किया। और खाना जंगी का शिकार शाम के शहर हलब में जिंदगी लौट आई, जंग बंदी के बाद पहले फुटबॉल मैच का इनेकाद हुआ तो गमजदा चेहरों पर रौनक लौट आई।